हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सो आज की जो रीडिंग है आज का जो प्रोडिक्शन है दिस इज रिगार्डिंग द बैड लक जो आपको ब्लॉक कर रहा है सो so, आज हम जानेंगे कि वॉट काइंड ऑफ बैड लक्स आर ब्लॉकिंग यू और आपकी एनर्जी से ये चेक होगा एंड देन आई विल गोइंग टू गिव यू दल्यूशन सम रेमिडीज एज वेल बेस्ड ऑन द प्रोडिक्शन सो so, जान लेते हैं किस तरीके से आपको पाइल को चूज करना है एंड देन वी विल स्टार्ट आर प्रिडिक्शन सो सबसे पहले हमारे पास है लैपिस ये आपके लिए एक पॉइंटर है आप चूज कर सकते हैं पाइल वन आगे आपके लिए मैंने स्क्रीन भी रखा है तो आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को सो दिस इज द लैपिस एंड अनदर वी हैव द सन स्टोन फॉर पाइल टू सनस्टोन so, अगर आपकी तरफ आप कनेक्ट हो रहे हैं ज्यादा आप पॉजिटिवली फील कर रहे हैं सो यू कैन चूज दिस एज योर पाइल टू देन वी हैव द ब्यूटिफुल थर्ड पाइल इज ग्रीन जेड सो ग्रीन जेड की तरफ आप कनेक्ट हो रहे हैं सो यू कैन चूज दिस एज एन योर पाइल थ्री सो पाइल वन पाइल टू पाइल थ्री आपके सामने स्क्रीन शॉट है आप टैप कर सकते हैं पॉज कर लीजिए मेडिटेट कर लीजिए एंड देन चूज वन सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी के लिए टाइम स्टैम्प दिया हुआ है टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे जान पाएंगे वो किस तरीके की बैड लक है नेगेटिविटी है वो एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है हेलो ग्रुप वन आप सभी ने चूज किया था लेपिस लाउजी को सो लेट सी आपके लिए लेपिस दैट इज कमिंग कनेक्टिंग विद आर थर्ड आई चक्रा सो लेट सी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो बैड लक है जो आपको ट्रैप कर रहा है आपकी लाइफ में आपके लिए सक्सेस में फाइनेंस में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेज बन रहा है आपको हैप्पीनेस से दूर कर रहा है सो वी हैव फर्स्ट एज टू ऑफ कप ओके देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल राइट ओके सो आपके लिए तीनों कार्ड जो आए हैं यहाँ पे काफी पॉजिटिव वाइफ्स आ रही हैं और आपकी एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आप एक तो अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं टू ऑफ कप इज कमिंग फॉर लव रोमांस पॉजिटिविटी बॉन्ड पार्टनर एंड सोशल लाइफ इसी के साथ आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल आप अपने करियर में भी ग्रोथ चाहते हैं करियर में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं करियर में भी नेम एंड फेम चाहते हैं आपके कुछ ड्रीम्स डिजायर हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं ये तो रही आपकी एनर्जी ये तो रही जो आपकी विश है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लेकिन इन दोनों चीजों में प्रॉब्लम्स बन रही है। इन दोनों चीजों में आपके लिए लक आ रहे हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं और वो क्या है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये कर्म का चक्र ओके okay? और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए इंडिकेशंस दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्मा है वो आप वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में ब्लॉकेज कर रहे हैं आपको अपने पास्ट कर्मा को हील करना होगा ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट भी हो सकते हैं या अपने पास्ट में जो भी किसी पर्सन या अपनी एक इंटेंशन या अनजाने में भी आपने जो भी चीज़ें ऐसी की हैं जिनका अब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर देखने को मिल रहा है एंड दैट इज़ वेयर द व्हील ऑफ फॉर्चून कि ये जो एक चक्र है ये जो जीवन का जो चक्र है ये आपके लिए हैप्पीनेस या फिर आपके कर्मा का अच्छा रिजल्ट वो देने में अभी यहाँ पे रुका हुआ है ये वील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जो भी आपकी मेहनत है जो भी आपके एक्शंस हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा तो पास्ट लाइफ के का पास्ट कर्मा आपके लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं और इसी के साथ आपके लिए ब्लॉकेज बन रहे हैं योर इंटेंशन बिकॉज दिस कर्मा एनर्जी कमिंग लाइक कि हाँ आपका जो धर्म है आप उसको किस इंटेंशन से किसी भी काम को कर रहे हैं सो so, ये दोनों चीज बड़ी आपके लिए ब्लॉकेज की है लटमी चेक यहाँ पर मैं ओरिकल कार्ड के थ्रू जानती हूँ कि क्या एनर्जी आ रही है जो हेल्प कर सकती है आपको टू वर्क ऑन सो वाइल्डनेस सर्विस एंड चोइसेस यू नो समवेयर आपको इन चीजों को देखना होगा आप कहीं ना कहीं जो आपकी एक्चुअल में विश है या फिर आप जिस तरीके की पर्सन है आप उसको हाइड कर रहे हैं और यू आर जस्ट कवरिंग योर विद या तो आप जिससे कि और खुश रहे लोग या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना इस तरीके से आपने अपने आप को बहुत ज्यादा रोका हुआ है अपने आप को अपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे चल रहे हैं जिस चीज को आपको हटाना होगा यू कैन सी आपको ये जो फेस है जो आपने आगे अपने लाए हुए हैं मन आपका खुश नहीं है लेकिन आप किसी चीज को जबरदस्ती कर रहे हैं आप किसी चीज के साथ ज्यादा हैप्पी नहीं है आप उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो रखे हैं तो इन चीजों को आपको बदलना होगा इसीलिए व्हील ऑफ आ रहा है कि जो आपकी इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए साथ में आपका कर्मा एक्शन सो दिस इज द टाइम टू रिमूव दिस मास्क रिमूव दिस मास्क जो आपके लिए ब्लॉकेज है ठीक है आपको जो रियल फेस है जो आपके रियल चॉइसेस हैं जो आपका रियल वे जो है लाइफ का जीने का उसके साथ चलना होगा डू नॉट जस्ट यू नो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट और टू टू शो ऑफ समथिंग जो आप नहीं चाहते जो जिसमें आप खुश नहीं हैं इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मंत्र मेडिसिन दैट इज सॉन्ग इन चैंटिंग एंड कंटेनमेंट एंड कमांड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ ये एज एन रेमेडी भी दिख रहा है और आपके जो बैड लक है उसका भी रीजन यही है कि यू you नो know, कहीं ना कहीं आप जो प्रेयर कर रहे हैं या तो आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं और अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें यू आर नॉट लिसनिंग एंड फॉलोइंग द थिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कमांड जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से कमांड मिल रही है आप उस चीज को समझें दूसरा आपके लिए यहाँ पर है एनचांटिंग, जितना ज़्यादा आप एनचांटिंग करेंगे वो आप किसी भी सेवन चक्रा में से या किसी यू uh, नो you know, ओम को अगर आपने मंत्रा को अगर आपने जाप में लिया आपको लेने की जरूरत है इन चीज़ से क्योंकि नहीं तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ब्लॉकेज बना रहेगा ओके अनदर मैसेज फॉर यू लेट मी सी

अपने प्योर इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं या आप उसको उस टाइम के साथ नहीं कर रहे हैं जिस टाइम पर ज़रूरत है तो वो फोकस करने की ज़रूरत है एंड द टाइमिंग सेक्रेट डोर्स आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल या अपनी कुछ पवित्र जो आपके एनसेस्टर्स से कनेक्टेड चीज़ें हैं उसमें आपको बिलीफ रखने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ वेयर योर एनर्जी इज़ कमिंग की क्लोज सर्किल एक हेल्दी बाउंड्री आपको अपने और को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको अपने और को करने की जरूरत है ठीक है सो दैट इज ऑल्सो ब्लॉकिंग यू आर लॉट और दिस इज ऑल योर ऑरा योर ऑरा इज नॉट कमिंग पॉजिटिव एंड लेट मी सी कल आपके लिए हीलिंग मैसेज क्या आ रहे हैं दिस इज गोना हेल्प यू आर लॉट टू हील यू टू गिव यू द एडवाइस एंशियंट विजडम अगेन जैसे कि मैं आपसे बोल रही थी जो एंशियंट एनर्जी है जो एनसिस्टर्स की एनर्जी है वो आपके लिए आ रही है कि यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो करें जो उनके रिचुअल्स थे या फिर उनकी रेमेडीज थी लाइक वी यूज टू यू नो यूज़ अ लॉट ऑफ लाइक ग्रैंड मदर्स जो हमको एक रेमेडीज बताते हैं या हमारे जो पूर्वजों से जो हम देखते आए हैं कि ये चीज़ें हमें प्रोटेक्ट चीज़े करती हैं ये चीज़ें हमको हेल्प करती हैं टू यू नो क्रिएट अ पॉजिटिव और अराउंड अस उसकी आपको ज़रूरत है एंशियंट विजडम इसीलिए आ रहा है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट लेट सी डिवाइन टाइमिंग यू नो यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग द डिवाइन टाइमिंग इज कमिंग ऑल अबाउट यू कि आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी खुद के जो पेस है जो आपका जो खुद का एनर्जी है जो आपका जो खुद का रिदम है उसको आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए ठीक है जस्ट फॉलो दड्यूल और डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे पेशेंस के लिए बोल रहा है तो अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो यस yes, और आप बार बार भटक रहे हैं कुछ चीज करते हैं फिर छोड़ देते हैं सो दैट इज ऑल द डिस्ट्रैक्शन जो आपको मिल रहा है एज एन बैड लक वो ही आपको डिवाइन टाइमिंग तक पहुँचाने के लिए रोक रहा है ठीक है इसके अलावा वी हैव द रियूनियन ऑफ सोल यू you नो know, जैसे आपको मैंने बताया कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज बन रहे हैं वो सोशल लाइफ तो वहाँ बॉन्डिंग नहीं फैमिली में इश्यूज सो दैट इज ऑल द रियूनियन ऑफ सोल आपके लिए पास कनेक्शन सारे हैं आपको सोल टू सोल कनेक्ट होने की ज़रूरत है ये रियूनियन ऑफ़ सोल इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर परफेक्ट मैच यू एंड योर पार्टनर योर सोल मेड कनेक्शन सो यू हैव टू वेट टिल यू विल गोइंग टू फाइंड द प्योर ट्रू सोल मेड कनेक्शन जब तक आप वेट करें अदरवाइज आपको टॉक्सी रिलेशनशिप अदरवाइज आपको इस तरीके के लेस कमिटमेंट और नेगेटिव पीपल इस तरीके से लोगों से ही सामना करना होगा सो यू हैव टू वेट फॉर रियूनियन ऑफ सोल यू हैव टू बिलीव दैट कि मेट इज एक्सिस्ट और आपको वो मिल सकते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल दिच इज कमिंग फॉर यू एज यू हैव चूजन द लैपिस और ये जो लैपिस एनर्जी है ये अपने आप में बता रही है

तभी आपके लिए चीजें भी बदलती नजर आएंगी सो दिस इज ऑल फॉर यू ग्रुप वन आई होप यू हैव नाउ क्लैरिटी कि वॉट काइंड ऑफ इशूज बैड लक इज़ ब्लॉकिंग यू लकट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर ब्लॉकिंग यू तो आपका जो पास्ट कर्मा है या फिर आपकी जो इंटेंशन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव आप पर असर डाल रही है तो आप उसी पे काम कीजिए एनसिस्टर्स की विजडम और एनसिस्टर्स के कुछ ना कुछ जो कर्ज है या फिर मैं बोलूँ जो उनके जो लाइफ के जो ब्लॉकेजेस थे वही आपकी तरफ भी आते दिख रहे हैं तो आपको इनको रिमूव करने की ज़रूरत है सो दिस इज़ ऑल अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो so, वेबसाइट से बुक कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स और यू वॉन्ट एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द रेमेडी एज एन क्रिस्टल और सम स्पेल सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू एंड आपको जो बेस्ट सूट करेगा फॉर योर करियर फॉर योर रिलेशनशिप वो आप ले पाएंगे सो दिस इज ऑल बाय हाई ग्रुप टू आप सभी ने चूज किया था ब्यूटिफुल सन स्टोन एंड सन स्टोन इज ऑल अबाउट फॉर द गुड फॉर्चून एंड गुड लक सो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं सो so जानते हैं कि वो किस तरीके की ब्लॉकेजेस हैं निगेटिव एनर्जीज हैं एंड बैड लक है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है जो ब्लॉक कर रहा है सो लेट मी चेक आपकी एनर्जी फर्स्ट वी हैव द स्टार ओके अनदर द किंग ऑफ सॉड ऑल राइट एंड द एट ऑफ कप ओके सो यू नो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है यहां पर अगर हम तीनों कार्ड्स को देख रहे हैं सो दिस इज योर डेस्टिनी यू नो दर नॉट कनेक्टिंग वेरी पॉजिटिव आपकी जो स्टार हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम बन रहे हैं स्टार्स क्या मतलब स्टार्स का मतलब हुआ आपके लिए कि आपकी जो प्लानिट्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जहां सन का स्ट्रोंग होने की जरूरत है सन स्ट्रांग नहीं हो रहा जहाँ आपकी मर्करी मीन्स योर कम्युनिकेशन योर एक्सप्रेशन एंड सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी गुड पर्सनैलिटी जहाँ जहाँ आप जिस चीज़ का चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपका भरकर ही वर्क नहीं कर रहा आप चाह रहे हैं लग्जरी एंड गुड पार्टनर लव एंड रोमेंस तो आपका वीनस से सपोर्ट नहीं कर रहा इस तरीके से जो स्टार कनेक्शन है आपके दैट आर ब्लॉकिंग यू आपके स्टार आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इट मे समहाउ अगर बोला जाए तो जैसे बोलते हैं ना कि एज एन एस्ट्रोलॉजी तो आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन दिख रही है मुझको मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ द एट ऑफ कप इज कमिंग यू यू कैन सी आप अपने इमोशंस की तरफ देख रहे हैं आप अपने मून की तरफ देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं आप इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं किसी और की बातों में कभी कभी आपका जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ही आपको रोक लेता है ठीक है यहाँ एट ऑफ कप ये भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए इतना वेट करते हैं दूसरों के लिए इतना ख्याल रखते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कि आप अपने अपने टाइम को अपने प्रीशियस टाइम को या अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर करते हैं एंड दिस इज द रीजन समवेयर आपके जो स्टार्स हैं वो आपसे सपोर्ट में ही नहीं है आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं स्पेशली दिस इज ऑल यू हाउ यू आर अंडर यू नो अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी एंड हाउ यू आर एक्सचेंजिंग इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर यहाँ पर आप ब्लॉक आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आप रुके हुए हैं आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप शिफ्ट चाहते हैं आप चेंजेस चाहते हैं आप मूवमेंट चाहते हैं आप ट्रैवलिंग चाहते हैं, आप लेट गो करना चाहते हैं पास्ट को और आगे बढ़ना चाहते हैं बट ऑल इन ऑल योर पास्ट योर पास्ट एक्शंस योर एक्सपीरियंस एंड योर पास्ट डिजायर जो इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी चीज से वो आपको बहुत ही बुरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है ठीक है ये किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि उनकी वजह से यू आर जस्ट फाइंडिंग की एवरीवेयर यू आर नॉट हैप्पी और उन्हीं की वजह से आपका बहुत टाइम या आपकी एक्सपीरियंस या आपकी एक्सपेक्टेशन को भी हर्ट हुआ है इसी के साथ हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड समवेयर आपका जो थाट है आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है आपका जो ओपिनियन है ये भी यहाँ पर आपके लिए आप चाहते हैं अथॉरिटी आप चाहते हैं पावर आप चाहते हैं कि आप अपने आप में सेल्फ लाइक डिपेंडेंसी रखें आप किसी पे भी मतलब डिपेंडेंट नहीं रहें इंडिपेंडेंट बने और दिस इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं आपका जो इंटोवर्ड एटीट्यूड है इंटोवर्ड इन द सेंस लाइक कि हाँ आप खुद हैंडल कर लेंगे खुद अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे आई विल नॉट गोना आस्क फॉर हेल्प आई विल नॉट गोना शेयर माई पेन एंड सफर ये भी कहीं कही ना कहीं एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है एक सोशल सर्किल नहीं बनना या आपको उस तरीके के लोग नहीं मिलना जो आपकी एक्चुअल में मदद कर सकते हैं एंड दिस थॉट दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट एयर एनर्जी आर इमेजिनेशन आर ओपिनियन आर डिसीजन मेकिंग ओके तो आपके पास पावर तो दिख रही है आप नेम एंड फेम भी चाहते हैं स्टार बता रहा है कि आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें और टू बी यूनिक यू नो यू विल बी सक्सेसफुल यू विल बी मोर यूनिक एंड शाइन लाइक अ स्टार बट येस एज आई टोल यू योर डेस्टिनी इज नॉट सपोर्टिंग यू एंड दिस इज ऑल बिकॉज यू यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ बाई योर थाट प्रोसेस एंड बाय योर डिजायर आप कहीं ना कहीं इमोशनली चीजों को लेकर रुके हुए हैं ये पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप एंड करियर में एक हाईर पोजीशन को आप चाहते हैं दिस इज योर एक्सपेक्टेशन बट हाँ पर्सनल लाइफ में भी आपके इश्यू दिख रहे हैं सो लेट मी चेक नाउ मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताती हूँ आपके लिए क्या यहाँ एज एन रेमेडी एंड लक की एनर्जी है जिसपे आप फोकस कर सकते हैं फर्स्ट वी हैव स्प्रिट वर्ल्ड मैसेजेस देखिए आपके लिए आ रहा है कि सीक्रेट रिचुअल्स को फॉलो कीजिए सीक्रेट रिचुअल्स आर ऑल जो स्पिट वर्ल्ड वर्ल्ड के हैं मतलब एंजल्स जो हैं हमारे या वी हैव ऑल द मैजिक स्पेल्स या हमारे लिए कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि कीप समथिंग लाइक लेमन इन योर गार्डन जो लेमन प्लांट होता है तो वो क्लिजन करता है इस तरीके से बहुत सारी रेमेडीज होती है इस तरीके से बहुत सारे हमारे लिए लाइफ में छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करने की जरूरत है आपको तो ये स्प्रिट वर्ल्ड आ रहा है कि ये जो हम जो यूनिवर्स का जो वर्ल्ड है जो यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट कराती है सारी चीज़ें विश लग्जरी फाइनेंस एंड सेविंग हैप्पीनेस एंड मै अरेज एवरीथिंग तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उनके कुछ रिचुअल्स को फॉलो करें इफ़ इट इज समथिंग लाइक कि हाँ कि आपको आ, जैसे कि मानो कि दर वॉटर रेजुनेट्स अलॉट और या फिर नेगेटिविटी को रिमूव करता है सो यू शुड ट्राई टू डू नॉट वेस्ट द वॉटर यू नो यू शुड कंजर्वेट द वॉटर टैप आपकी ओपन नहीं रहनी चाहिए लीकेज नहीं होना चाहिए इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको इन चीज़ों पर ख्याल रखना होगा डी मतलब जो सामान आप घर में यूज़ कर रहे हैं लेकिन अब आप वो यूज़ नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं तो उन सबको आपको बाहर निकाल देना है इस तरीके के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं यू कैन कीप क्रिस्टल्स इन योर हाउस दैट विल गोइंग टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी एंड विल रिमूव द बैड लक सीक्रेट वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर और ये जो स्प्रिट्स के जो वर्ल्ड आ रहे हैं ये यही एनर्जी बता रहा है एंड मेमोरीज कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट की मेमोरीज है वही आपको बैड लक का रीजन बन रही है पास्ट की मेमोरीज को दूर कीजिए देन वी हैव द साउंड हीलिंग फाइनल गुड बाय एंड रिलीज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से गुड बाय आपकी एट ऑफ कप से एनर्जी आ रही थी कि आप रुके हैं स्टक हैं वहीं पर रुके हुए हैं बिकॉज आपकी इंटेंशन ऐसी है आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे आपको होम सिकनेस हो रहा है आप कुछ चीजों को आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं लेकिन करेज नहीं ला पा रहे हैं दिस इज ऑल क्रिएटिंग द बेड लक दिस इज ऑल ब्लॉकिंग द एनर्जी यही सब चीजें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिवली ट्रैप कर लेती हैं, आर ओन डिजायर तो आपके लिए आ रहा साउंड हीलिंग साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी सो फाउंटेन वाटर जो चैंट करता रहता है वो बहुत अच्छा होता है यू शुड कीप सम नेस्ट अराउंड यू आपके घर के आसपास नेस्ट रखें जिससे बर्ड्स आए बर्ड्स की जो क्रिपिंग होती है वो आपको हेल्प करेगी और फाइनल गुड बाय बोले अपने बहुत सारी चीजें पास्ट की हैं मेमोरीज हैं उन सबको गुड बाय बोले एंड रिलीज ओके दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ये सब आपके लिए एज एन रेमेडी आ रही है और देखो आपने सन स्टोन चुना था और दिस इज द सन स्टोन आपके लिए सन एनर्जी आ रही है आपको गुड लक की जरूरत है आपको नेगेटिविटी डार्क और एक लो एंड डल फेज से आपको ब्राइटफुल रे ऑफ होप ऑप्टोमिस्टिक करेज कॉन्फिडेंस की तरफ जाने की जरूरत है और यहाँ पे आ रहा है ड्रॉइंग डाउन द सन वाइल्ड फायर मीन्स करेज डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए इस टाइम पे आपको जरूरत है हिम्मत की द मस्कुलाइन एनर्जी इज कमिंग अबाउट द द ऑल पावर एज अ मैन ओके एंड मैग्निफिकेंस एंडनेस समवेयर आपको इन चीजों को अब आपको बाहर निकल के कुछ चीजों को करने की जरूरत है जस्ट थिंकिंग और हाइडिंग द थिंग्स और नॉट टेकिंग एक्शन ऑन द थिंग्स विल नॉट वर्कआउट अब आपको बाहर रिफ्लेक्ट करना होगा चीजों को जो आपके मन में है विश है टैलेंट है स्किल्स हैं उन सबको अब आपको बाहर लेकर आना होगा ठीक है like right. so, इसके अलावा हम देख लेते हैं आपके लिए healing की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं सो so, so, आपकी एनर्जी ड्यूलिटी ओके बैलेंस इज इंपॉर्टेंट आपको हर पर्सपेक्टिव पे चीजों को सोच के आगे बढ़ना होगा और यहाँ पर आपके लिए लाइक वी हैव सन एंड मून तो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने 28 एट जो डेज़ का जो साइकिल होता है मून का उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है तभी आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे मतलब आप अपनी लाइफ की जो आपकी जो खुद की एनर्जी है उसको बैलेंस कर पाएंगे इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी टाइम इज़ टू अप यू नो ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी जो मैं सन से बात कर रही थी सन मतलब टैलेंट स्किल्स कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी एंड अम्बेंडेंस बहुत कुछ चीज़ों को बढ़ाना आगे लेके जाना एक्सपेंशन करना सो इट्स गुड फॉर यू एज वेल सो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप क्रिएटिविटी पर कुछ ना कुछ मतलब अपने ऊपर कुछ काम कीजिए एंड ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी विद अदर्स मतलब आप और लोगों से भी मिलजुल के चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं सोशल लाइफ क्रिएट करने की ज़रूरत है एंड वी हैव अनादर सी अबेंडेंस अगेन आपके लिए अबेंडेंस आया है आपके लिए मनी गेन है आपके लिए प्रॉफिट है आपका फाइनेंस अच्छा होगा यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टार्स आपके स्टार्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और दिस इज द रीजन बिकॉज यू आर जस्ट नॉट यू नो गोइंग फॉरवर्ड आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं सो यूनिवर्स सपोर्ट जब ही करता है जब हम भी विलिंगली उस तरफ आगे बढ़ते हैं सो so, आपके लिए अबेंडेंस आ रहा है एंड अबेंडेंस इज क्रिएटिंग दिस पॉजिटिविटी की हाँ सक्सेस मिल सा, सक, मिलेगी और सक्सेस के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट कोशिश करनी है कि यू विल गोइंग टू यू नो गिव योर क्रिएटिविटी अ चांस योर

डेली रूटीन सो दैट यू कैन रिड्यूज़ द ट्रैप एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पर दिख रही है अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं यू वॉन्ट टू नो आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे विजिट ऑन माई वेबसाइट आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं सो सी यू अगेन बाय हाई ग्रुप थ्री आप सभी ने चूज किया था ग्रीन जेड को और ये गुडलक के लिए बेस्ट क्रिस्टल होता है सो लेट्स सी आपके लिए गुड लक जैसा आप चाहते हैं सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर ट्रैपिंग यू ब्लॉकिंग यू जिनको आप रिमूव करके अपने लिए गुडलक को अट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, आपकी एनर्जी को देख लेते हैं फर्स्ट वी हैव द लवर्स रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लॉकिंग यू हैंगमैन एंड द सिक्स ऑफ sword. ओके okay. देखो आपकी जो तीनों एनर्जी है यहाँ पर जो तीनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग आई है दैट इज ऑल कहीं ना कहीं आपका जो बैड लक दिख रहा है आपकी जो एनर्जी ट्रैप दिख रही है दिस इज एक तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है आपकी पर्सनल जो सोशल लाइफ हो या रिलेशनशिप हो या हैप्पी मैरिज लाइफ हो आप वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं ठीक है एंड दैट इज़ वेयर यू फील सो मच स्ट्रेस्ड और इनसिक्योरिटी और समहाउ कि सिबलिंग्स में पेरेंट्स में, के बीच में या फिर अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग के साथ ओके सो दिस इज वॉट द मेजरली योर कंसर्न आप चाहते हैं यू विल गोइंग टू हैव अ परफेक्ट मैच परफेक्ट सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि एक हैप्पी फ्यूचर पार्टनर आपको मिले जहाँ पे आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहे लेकिन वो ही अभी तक नहीं हो रहा है एंड दैट इज क्रिएटिंग द मैस मीन दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स ओके इसी के साथ आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है जो बता रहा है हो सकता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो या डायवोर्स हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात हो या कि जो चीज़ चाहते हैं कि योर यू योर पेरेंट्स विल गोना एग्री फॉर सम मैरिज और समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग यू इसी के साथ सिक्स ऑफ शॉर्ट के साथ साथ आपके करियर को लेके भी मैसेज मिल रहे हैं और ये जो करियर मैसेज है ये आपके लिए आ रहे हैं कि यस yes, आप अपनी या yeah, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है जैसे ट्रैवलिंग आपको वीजा चाहिए आपको अब्रॉड जाना या आपको अपनी लाइफ में कुछ करियर में आपके कुछ है चीजें की अभी तक हो जानी चाहिए थी वहां पे भी आप ब्लॉक दिख रहे हैं द वॉटर इज देयर बट नो ब्रिज सो आपको जो ब्रिज की जरूरत है टू पास आउट द थिंग्स टू यू नो सो दैट यू कैन क्रॉस ऑल द रिवर वो वहां आप नहीं कर पा रहे हैं सो दीज आर दिचुएशन विच यू आर गोइंग थ्रू एंड देंग मैन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बीच में आके रुक गई हैं द स्टकनेस इज कमिंग इन बिटवीन मतलब पहले से जर्नी सही चल रही थी फिर रुक गई चीजें तो ये ब्लॉकेज जो आ रहा है ये स्पेशली ब्लॉकेज है इज ऑल अबाउट जो आपके डिसीजंस थे या आपने जो पास से जो चीजें सही करी थी या फिर सोच के ये सोचा था कि ये सही है जो भी आप पास से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं वहां आप स्टक हैं वहां रुके हुए हैं दिस समथिंग विच यू आर कैरिंग फ्रॉम पास्ट इज नॉट सूटिंग यू वो वो आपको सूट नहीं कर रहा वो आपके फेवर में नहीं दिख रहा है सो so एस पर मैं बोलना एज पर हैंगमैन आपको यहाँ पे अब अपने आइडियाज अपने थॉट अपनी नॉलेज अपनी क्रिएटिविटी अपनी प्लानिंग को बदलने की जरूरत है दिस इज वॉट अट्रैक्टिंग द बैड लक दिस इज वॉट क्रिएटिंग द नेगेटिविटी uh, और मैं ये बोलूँ कि ट्रैप कर रहा है आपको ऐसा होता है ना कि जो पानी रुका हुआ है तो वो खराब होने लगता है सेम आपके लिए आ रहा है कि यहाँ पे यू आर कमिंग एज अ स्टक एंड दिस इज ऑल द ट्रैप इज फ्रॉम द पास्ट पास्ट की जो चीजें हैं पास्ट की जो सोच थी या उस टाइम की जो जरूरत थी उन्हीं के थॉट प्रोसेस के साथ आप आज भी चल रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग द ऑल द हर्डल्स सो डू नॉट वरी लेट मी चेक आपके लिए एज एन रेमेडी और साथ में आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं और दिस विल गोइंग टू हेल्प यू टू प्लान योर फ्यूचर एंड टू रिड्यूज द बैड लक आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं सो फर्स्ट वी हैव द साइकिक फ्रेम्स ट्रपल थ्री सैक्रेड मिल्क एंड दिस इज़ मैजिक यू नो आपको कहीं ना कहीं रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है बहुत सारे रिचुअल्स एवेलेबल होते हैं और दैट कुड बी जस्ट यू नो दैट कैन रिमूव द ऑल द बेड लक विच यू आर गोइंग थ्रू और ये आपकी एनर्जी को क्लीजन करने के लिए कह रहे हैं द ट्रप्पल थ्री नंबर इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू एंड दैट इज फॉर द यू नो मल्टीप्लाइंग द थिंग्स और यहाँ आपको सिंकोनाइज सिंकोनिटी की बहुत ज़रूरत है साइकिक फ्लेम सो जैसे आपने देखा होगी कि कुछ रिचुअल्स होते हैं बेलीव्स को सेज को बर्न करके लाइक एज आई एम अ प्रोफेशनल सो आई डू लॉट्स ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेल फॉर अदर्स सो वो हम मुझसे जैसे बोलते हैं देन आई विल गोना शेयर दैम कि आपको एज एन स्पॉल लाइक स्पेल बॉटल मैजिक ऐसे ये जो चीज़ें होती हैं और लाइक वी हैव अ मून वाटर वी हैव सन चार्ज वाटर इस तरीके से आपके लिए फ्लेम एनर्जी आ रही है इवन यू कैन गो फॉर सम हवन यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल्स देयर यू आर यूजिंग द फायर द सेक्रेट फायर जस्ट टू रिमूव आउट ऑल द ब्लॉकेजेस ठीक है इसीलिए सैक्रेड मिल्क आ रहा है तो जैसे कि हम ऐसा होता है ना uh, वी यूज मिल्क फॉर टू एड ऑन एन द जल एंड फिर हम जल अर्पण करते हैं टू लॉड शेवा इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आर लॉड एंड मैजिक सो या क्रिस्टल्स कैन ऑल्सो हेल्प यू क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि किसी न किसी तरीके की एक पॉजिटिव पावर को आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जिससे कि आपका जो ब्लॉकेज हैं वो दूर जाए इसी के साथ मैं आपको और शेयर कर देती हूँ क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं जो आपको मैसेज देंगी ओशियन म्यूज वॉटर एनर्जी वॉटर विजडम इमोशनल विजडम की जरूरत है इमोशनल थॉट आपकी इमोशनल एनर्जी मून सो मून को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आपने देखा होगा ट्वेंटी एट डेज की साइकिल होती है वी हैव डिफरेंट फेज एंड डिफरेंट फेज में हमारा डिफरेंट मूड रहता है डिफरेंट चीजों को हम अट्रैक करते हैं डिफरेंट चीजों को हम रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मून सो आपकी भी मून एनर्जी आ रही है हर मिट लाइट आपको वॉइस बनने की जरूरत है इस टाइम पे आपकी नॉलेज पे आपको काम करने की जरूरत है पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीख के आगे बढ़े डिस्कवरी जाने एक्सप्लोर करें कुछ नया ढूंढे तभी आप अपने जो ब्लॉकेजेज हैं वो पर्सनल लाइफ मून एनर्जी इमोशनल इश्यूज एज वेल एज योर करियर जहाँ पे भी आप अभी ब्लॉकेजेस में हैं वहाँ से आप दूर हट पाएंगे योर इंट्यूशन नीड्स टू बी स्ट्रांग कंप्लीटली मून आपका स्ट्रांग होना चाहिए मून इज नॉट स्ट्रोंग इसीलिए आप इतना कुछ फेस कर रहे हैं एंड सफर कर रहे हैं ठीक है आपके लिए मून स्टोन भी बहुत अच्छा होगा आप ले सकते हैं यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम इसी के साथ आपके लिए वी हैव द मगवॉट ड्रीम्स ओके रिदम हाइयर सेल्फ रियालिटी एंड रेस्ट आपको यहाँ पर देखें आपके लिए पे जो मैसेज आ रहा है है दिस इज कमिंग अबाउट ठीक ये आई आ रही है फॉर विजुअल कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की एनवी जेलेसी या नजर बहुत ज्यादा आप पे इम्पैक्ट करती है योर मून इज कमिंग एज वीक कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हैं यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने लिए रिदम पैटर्न फॉलो करना होगा जो मैं आपको सिंकोनिटी की बात कर रही थी मतलब एक रूटीन एक टाइम टेबल अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हैं तो आपको वो एक स्पेसिफिक टाइम पे फॉलो करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं कि मानो कि यू आर जस्ट इन मॉर्निंग यू यू आर जस्ट टेकिंग बाथ एंड देन आप योगा कर रहे हैं आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो डू इट रेगुलर इस तरीके से आपको एक रिदम में चलना है और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है हायर सेल्फ इज मिस मेच्योर सबकॉन्शियस माइंड ओके एंड रेस्ट कहीं ना कहीं आपको रियलिटी रियलिटी को जानते हुए रेस्ट लेने की भी जरूरत है ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है और यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट यू आर जस्ट थिंकिंग थिंकिंग और ये एनजाइटी दे रहा है यू आर नॉट इवन स्लीपिंग ओके सो दिस इज वॉट कमिंग एज इशू और जिसको आपको सही करना है इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको ओरिकल एनर्जी शेयर कर देती हूँ ओरिकल मैसेज आपको बताएंगे कि आपको हीलिंग में किस चीज की जरूरत है लेट मी चेक वी हैव परसेप्शन जैसे मैंने आपको बोला आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है आइडियाज को नॉलेज को दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द चेंज इन योर परसेप्शन सो वो लाए इसी वजह से आपकी एनर्जी ट्रैप है ठीक है ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं बट दे आर क्रिएटिंग द इशू न्यू बिगनिंग फ्रेश न्यू बिगनिंग की तरफ चले पास्ट के जो पैटर्न है वो ही ब्लॉकेज बन रहे हैं उसको दूर करें पास्ट के पैटर्न आपके लिए इशू क्रिएट कर रहे हैं टाइम इज फॉर न्यू बिगनिंग िएटिविटी सो क्रिएटिविटी की आपको जरूरत है आपको कुछ चीजों को नया करने की जरूरत है एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सो यू विल फाइंड ब्लॉकेजेस क्योंकि आपके लिए जो आपकी एनर्जी ब्लॉक आई है दैट इज की आप एक बॉक्स में बंद हो गए एंड नाउ दाइम इज टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स अपने ओल्ड पैटर्न ओल्ड सोच को या फिर ओल्ड जो आपकी लाइफ स्टाइल थी उससे अब आपको आगे उठना होगा उससे आपको नए पैटर्न की तरफ जाना होगा सो दिस इज ऑल फॉर यू आई होप दिस विल रेजोनेट अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं रेमेडी लेना चाहते हैं यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट वहां से आप रीडिंग